السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. मेरी आवाज आ रही है? जी, मेरी आवाज आ रही सबको? कल का सबक तमाम तालिबात ने समझ लिया था, याद कर लिया था? कल के सबक के समझने में कोई मुश्किल तो पेश नहीं आई किसी को? जी, कल के सबक के समझने में किसी को कोई मुश्किल तो पेश नहीं आई? चलिए आज आगे सबक पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब इशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी व अहलुल उक़दत मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। रब ज़िदनी इल्मा। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सुभानक ला इल्मा लना इल्ला मा 'अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। वफ़्विद अमरी इलल्लाह इन्नल्लाहा बसीरुन बिल इबाद। या अलीमु 'अल्लिमनी, या अलीमु 'अल्लिमनी। आज इंशाअल्लाह हम मसला नंबर 11 पढ़ेंगे। तो लड़की से, चाहे वो कुंवारी हो या कुंवारी ना हो, उससे निकाह के लिए इजाज़त लेने का तरीका हमने पढ़ लिया था कि कुंवारी लड़की से इजाज़त लेने का तरीका ये है कि जब उससे पूछा जाए वो खामोश रहे या वो हंस पड़े या रजामंदी पर मबनी वो रोए, तो ऐसी सूरत में ये इजाज़त समझा जाएगा। लेकिन अगर वो कुंवारी नहीं है बल्कि पहले शादी हो चुकी थी, फिर तलाक हुई थी या उसके शोहर का इंतकाल हुआ, तो ऐसी सूरत में जब आप इजाज़त लेंगे, ऐसी सूरत में जब आप इजाज़त लेंगे तो उसका ज़ुबान से इजाज़त देना ज़रूरी है। उसका खामोश रहना या उसका हंसना ये इजाज़त की दलील नहीं समझा जाएगा। तो बता रहे यही हुक्म लड़के का है कि अगर जवान हो तो उस पर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, और वली बे उसकी इजाज़त के निकाह नहीं कर सकता। उसका वली जो है उसकी इजाज़त के बगैर निकाह नहीं कर सकता। अगर बे पूछने निकाह कर देगा तो इजाज़त में मौकूफ़ रहेगा। उससे पूछे बगैर अगर उसने निकाह कर दिया उसका, तो उसकी इजाज़त पे मौकूफ़ रहेगा। ये क्या होगा? उसकी इजाज़त पे मौकूफ़ रहेगा। अगर इजाज़त दे दी तो हो गया, नहीं तो नहीं हुआ। अगर इजाज़त दे दी तो हो गया, अगर इजाज़त नहीं दी तो निकाह नहीं हुआ। अगर इजाज़त नहीं दी तो निकाह नहीं हुआ। अलबत्त इतना फ़र्क है कि लड़के के फ़कत चुप रहने से इजाज़त नहीं होती, लड़के के सिर्फ चुप रहने से, लड़के के चुप रहने से इजाज़त नहीं होती। जुबान से कहना और बोलना चाहिए, जुबान से कहना और बोलना चाहिए। लड़की के बारे में तो पूछा था कुंवारी थी कि अगर वो खामोश रहे तो वो इजाजत होती है, लेकिन लड़के का जुबान से कहना जरूरी है, उसके बगैर निकाह नहीं होगा। मसला नंबर 12, लड़की या लड़का तो वो खुद मुख्तार नहीं है। लड़की है
या लड़का है और नाबालिग है तो वो खुद मुख्तार नहीं है, वो क्या है, खुद मुख्तार नहीं है, बगैर वली के उसका निकाह नहीं होता, बगैर वली के उसका निकाह नहीं होता। अगर उसने बगैर वली के अपना निकाह कर अगर उसने बगैर वली के अपना निकाह कर लिया, अगर बगैर वली के उसने अपना निकाह कर लिया या किसी और ने कर दिया, या किसी और ने, वली के अलावा किसी और ने उसका निकाह कर दिया, तो वली की इजाजत पे मौकूफ है। अगर वली इजाजत देगा तो निकाह होगा, अगर वो इजाजत ना दे तो नहीं होगा, अगर वली इजाजत ना दे तो निकाह नहीं होगा। और वली को इसके निकाह करने ना करने का पूरा इख्तियार है, वली को उसके निकाह करने ना करने का पूरा इख्तियार है। नाबालिग बच्चे या बच्ची का निकाह, ये वली को पूरा इख्तियार है कि कहाँ निकाह करना है कहाँ नहीं करना, जिससे चाहे कर दे, जिससे चाहे उसका निकाह कर दे। नाबालिग लड़कियां और लड़के उस निकाह को उस वक्त रही नहीं कर सकते, चाहे वो नाबालिग लड़की कुंवारी हो या पहले कोई और निकाह हो चुका हो, या पहले कोई और निकाह हो चुका हो और रुखसती भी हो चुकी हो, दोनों का एक हुक्म है। अलबत्त यहाँ पे एक बात याद रखें, मसला नंबर 12 में एक बात याद रखें कि बसा अवकात वली जो है वो अपनी लड़की या लड़के का बचपने में निकाह करा देते हैं, बचपने में क्या कर देते हैं, उसका निकाह करा देते हैं। अगर बच्चे या बच्ची की मसलहत को देखा गया, उसके फायदे को देख के निकाह किया गया, तब तो ठीक है, कोई मसला नहीं, निकाह हो जाएगा। लेकिन अगर बच्ची या बच्चे के मसलहत को नहीं देखा गया, अपने किसी फायदे की खातिर, अपने किसी फायदे की खातिर कहीं उसका निकाह कर दिया, बचपन नहीं में लड़की का या लड़के का उसका निकाह अपने किसी जाती फायदे की खातिर उसने निकाह कर दिया, वो लड़का जो है या वो लड़की जो है उस बच्चे या बच्ची के कुफ नहीं है, बच्चे या बच्ची के मसलहत को नहीं देखा गया, तो फिर इस निकाह को बालिग होने के बाद तोड़ा जा सकता है, इस निकाह को बालिग होने के बाद तोड़ा जा सकता है। इसको सू ए इख्तियार कहते हैं, सू ए इख्तियार, सू का माना होता है बुरा, इख्तियार का माना होता है निकाह का इख्तियार। वो है कि वली को जो निकाह का इख्तियार हासिल था अपने बच्चे या बच्ची का, नाबालिग बच्चे या बच्ची का, उसने अपना बुरा इख्तियार उसने किया, ठीक है, बुरा इख्तियार जो है उसने अपनाया है, इसलिए बालिग होने के बाद इस निकाह को तोड़ा जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है, उसका भी तरीका है, उसका भी क्या है, अलग से तरीका है। मसला नंबर 13, नाबालिग लड़की या लड़के का निकाह अगर बाप ने या दादा ने किया तो नौजवान होने के बाद ही उसको निकाह को रद्द नहीं कर सकते, नौजवान होने के बाद उस निकाह को रद्द नहीं कर सकते। ये जो मसला भी अभी आपको बताया, मसला नंबर 13, ये यहाँ पे बात तो की है कि इस निकाह को रद्द नहीं कर सकते, लेकिन इस जमाने में इस निकाह को रद्द किया जा सकता है। अभी जो मैंने आपको बताया सू ए इख्तियार, अभी आपको जो बताया गया सू ए इख्तियार, मैं एक रिसाला भेजूंगा, उसका आपने मुताला करना है, ठीक है, कि अगर बाप ने या दादा ने नाबालिग लड़की या लड़के का निकाह किया और नाबालिग लड़की या लड़के की मसलहत को नहीं देखा, उसके फायदे को नहीं देखा, अपने किसी जाती फायदे को मद्देनजर रख के उसका निकाह किया, तो बालिग होने के बाद इसको रद्द कर सकते हैं, बालिग होने के बाद इसको रद्द कर सकते हैं, ठीक है। ये एक मसला अपने पास नोट कर लें, मसला नंबर 13 के खिलाफ ये मसला हो गया, ठीक है। अब जदीद जो फतवा है वो मैंने आपको बता दिया, चाहे अपने मेल में किया हो या बेमेल किया हो, कम जात वाले से कर दिया हो, चाहे महरी मिसल पे निकाह किया हो या उससे बहुत कम पे निकाह कर दिया हो, हर तरह निकाह सही है, और जवान होने के बाद वो कुछ नहीं कर सकते, जवान होने के बाद वो कुछ नहीं कर सकते। इस मसले को जरा आप दोबारा पढ़ लें, ये दो मसले जरा आप पढ़ लें, दो मरतबा पढ़ के मुझे बताएं कि समझ आई कि नहीं आई, दो मरतबा पढ़ने के बाद मसला नंबर 12 मसला नंबर 13 के बारे में मुझे बताएं कि समझ आई कि नहीं आई, दो दो मरतबा पढ़ना है, अगर समझ नहीं आई तो मैं दोबारा समझा देता हूँ, फिर उसके बाद मसला नंबर 14 पढ़ लेते हैं, जरा जल्दी दोहराएं।
जी ये देखिए, मसला नंबर 12 ये है, लड़की या लड़का नाबालिग हो वो खुद मुख्तार नहीं है। नाबालिग लड़का है या नाबालिग लड़की है वो खुद मुख्तार नहीं है, ठीक है। वो अपना निकाह नहीं कर सकते, ना वो खुद कर सकते हैं, ना वली के बगैर कोई और निकाह कर सकता है, बगैर वली के उसका निकाह नहीं होता, ठीक है। ये नाबालिग लड़की लड़का है, अगर उसने बेवली के अपना निकाह कर दिया, खुद उन्होंने अपना निकाह किया या वली के अलावा किसी और ने कर दिया, तो वली की इजाजत पे मौकूफ है। खुद निकाह किया हो या किसी और ने किया हो, वली की इजाजत पे मौकूफ है। अगर वली इजाजत देगा तो निकाह होगा, वली इजाजत देगा तो निकाह होगा, वली इजाजत नहीं दे तो ना होगा, वली इजाजत ना दे तो निकाह नहीं होगा। और वली को उसके निकाह करने ना करने का पूरा इख्तियार है, जिससे चाहे कर दे। नाबालिग लड़कियां और लड़के उस निकाह को उस वक्त तक रद्द नहीं कर सकती, उस वक्त रद्द नहीं कर सकते, चाहे वो नाबालिग लड़की कुंवारी हो या पहले कोई और निकाह हो चुका हो और रुखसती हो चुकी हो। ये बात मैंने आपको बताई, रद्द नहीं कर सकते। इस बारे में मसला नंबर 13 में वजाहत है, मसला नंबर 13 में इसकी वजाहत है। ये मसला नंबर 13 देखें, नाबालिग लड़की या लड़के का निकाह अगर बाप ने या दादा ने किया है, वली जो है मुख्तलिफ होते हैं, बाप दादा भी हो सकते हैं, भाई भी हो सकता है, अगर बाप दादा ने किया तो जवान होने के बाद उस निकाह को रद्द नहीं कर सकते। ये मसला हो गया, लेकिन आज फतवा इस पे नहीं है, आज फतवा इस पर नहीं है, ठीक है। अगर बाप दादा ने नाबालिग लड़की या लड़के का निकाह किया, बच्ची के फायदे को पेश नजर रखा और निकाह किया, बच्ची या बच्चे के फायदे को देखा और उसने निकाह कर दिया, तब तो इसको रद्द नहीं कर सकते, तब तो जवान होने के बाद, बालिग होने के बाद इसको रद्द नहीं कर सकते। लेकिन अगर बाप ने या दादा ने बच्ची की मसलहत को नहीं देखा, बच्चे के फायदे को नहीं देखा, या बच्चे के फायदे को नहीं देखा, अपना फायदा देखा, अपना कहीं और निकाह कराना चाह रहा था, अपना कहीं और निकाह करना चाह रहा था, तो उसके बदले में अपनी बच्ची का निकाह करा दिया, वो टस अटक कर दिया, या अपने दूसरे बच्चे का निकाह कराना चाह रहा था, अब उसके बदले में बच्ची का निकाह करा दिया, वटा सटा करा दिया, ठीक है। या तीसरी सूरत ये कि बाज इलाकों में ऐसा होता है कि बाप कोई जुर्म करता है, तो उसके बदले में फिर उसकी बच्ची का निकाह वो जिसके साथ जुर्म किया है उसके कौम के साथ किया जाता है। तो अब ये इन तमाम सूरतों में बच्ची के मसलहत को, बच्ची के फायदे को नहीं देखा गया, तो ये जो निकाह हुआ है, यहाँ पे मसला नंबर 13 में तो लिखा है कि इसको रद्द नहीं कर सकते बालिग होने के बाद, लेकिन जदीद फतवा, जदीद तहकीक जो है वो ये है कि इसको रद्द कर सकते हैं। इसको क्या कहते हैं? सुई इख्तियार, सुई इख्तियार, सुई इख्तियार। सु का माना होता है बुरा, इख्तियार निकाह का इख्तियार, निकाह कराने का इख्तियार, यानी बाप ने अपना इख्तियार जो था निकाह कराने का, वो बुरा इस्तेमाल किया। ये क्या किया? बुरा इस्तेमाल किया। ये इसके ऊपर पूरी तहकीक है मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जो लिखी है, जवाहिरुल फिका, जवाहिरुल फिका। मैं इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। वो भी एक मरतबा पढ़ लीजिएगा, वैसे मालूमात के लिए आप पढ़ लीजिएगा, मैंने खुलासा तो बता दिया, मालूमात के लिए आपको पढ़ लीजिएगा। ये मसला ठीक है, ये नहीं कि ये मसला गलत है, यहाँ पे जो मसला बयान किया मसला नंबर 13 ये ठीक है, लेकिन ये पुराना कौल है, अब जदीद तहकीक जो है वो है जो आपको बता दिए, ठीक है। चाहे अपने मेल में निकाह किया हो, यानी कुफ में किया हो, हम पला से निकाह किया हो, या बेमेल कमजात वाले से कर दिया हो, चाहे महरी मिसल पे निकाह किया हो या उससे बहुत कम पे निकाह कर दिया हो, हर तरह निकाह सही है, और जवान होने के बाद भी वो कुछ नहीं कर सकते, जवान होने के बाद भी वो कुछ नहीं कर सकते। मसला नंबर 13 समझ में आ गया? मसला नंबर 13 समझ में आ गया कि नहीं? मसला नंबर 14, अगर बाप दादा के अलावा किसी और वली ने निकाह किया, अभी तक तो बात थी बाप दादा की, बाप दादा के अलावा किसी और ने निकाह किया, जिसके साथ निकाह किया है वो लड़का
जात में बराबर दर्जे का भी है और महर भी महरी मिसल मुकरर किया है, इस सूरत में उस वक्त निकाह तो सही हो जाएगा, निकाह तो सही हो जाएगा, जवान होने के बाद उनको इख्तियार है, चाहे उस निकाह को बाकी रखें चाहे मुसलमान हाकिम के पास नालिश करके यानी दावा करके तोड़ डालें। और अगर उस वली ने लड़की का निकाह कम जात वाले मर्द से कर दिया या महरी मिसल से बहुत कम पे निकाह कर दिया, लड़के का निकाह जिस औरत से किया उसका महर उस औरत के महर मिसल से बहुत ज्यादा मुकर्रर कर दिया, तो वो निकाह ही नहीं हुआ, वो निकाह ही नहीं हुआ। दो सूरतें बयान की, एक सूरत ये कि बाप दादा के अलावा किसी और वली ने निकाह किया, बाप दादा के अलावा किसी और वली ने निकाह किया। अब दो सूरतें बनती है, एक सूरत ये कि जिसके साथ निकाह किया वो लड़का जात में बराबर दर्जे का है, महर भी महरी मिसल मुकर्रर किया है, तो अब उस सूरत में निकाह तो सही हो जाएगा, उस वक्त निकाह हो जाएगा सही, लेकिन बालिग होने के बाद लड़के को या लड़की को दोनों को इख्तियार हासिल होगा निकाह तोड़ने या निकाह को बाकी रखने का, चाहे तो वो निकाह को बाकी रखे चाहे वो अदालत में जाके उस निकाह को क्या कर दे, खत्म कर दे। ये तो उस सूरत में कि लड़का जो है वो हमपला है, बराबर दर्जे का है, महर भी पूरा है, महरी मिसल है। दूसरी सूरत इसकी ये है कि अगर कम जात वाले मर्द से निकाह किया, उसका निकाह क्या कर दिया, कम जात वाले मर्द से कर दिया या महरी मिसल से बहुत कम पे निकाह किया, महरी मिसल से बहुत कम पे निकाह किया, महरी मिसल की वजाहत आगे भी आ जाएगी। वैसे सिंपली ये समझें कि बाप की तरफ से जो बच्चियों का महर मुकर्रर होता है बाप के खानदान में, उसको महरी मिसल कहते हैं, ठीक है। ये महरी मिसल से कम किया या लड़के का निकाह जिस औरत से किया उसका महर जो है उसके महरी मिसल से बहुत ज्यादा मुकर्रर किया, तो वो निकाह ही नहीं होगा। मसला नंबर 17, कायदे से जिस वली को नाबालिगा के निकाह करने का हक है वो परदेश में है, बाहर मुल्क है, इतने दूर है कि अगर उसका इंतजार करें और उससे मशवरा लें तो ये मौका हाथ से जाता रहेगा और पैगाम देने वाला इतना इंतजार नहीं करेगा और फिर ऐसी जगह मुश्किल से मिलेगी, तो ऐसी सूरत में उसके बाद वाले वली भी निकाह कर सकता है। अगर उसने बगैर उसके पूछे निकाह कर दिया तो निकाह हो गया, लेकिन अगर इतनी दूर ना हो तो बगैर उसकी राय लिए दूसरे वली को निकाह ना करना चाहिए, अगर करेगा तो उसी वली की इजाजत पे मौकूफ रहेगा, जब वो इजाजत दे तब सही होगा, जब इजाजत दे तब सही होगा। ये मसला नंबर 17 है। मसला नंबर 18, इसी तरह अगर हकदार वली के होते हुए दूसरे वली ने नाबालिग का निकाह कर दिया जैसे हक होता बाप का और निकाह कर दिया दादा ने और बाप से बिल्कुल राय नहीं ली, तो वो निकाह बाप की इजाजत पे मौकूफ रहेगा, या हक होता भाई का और निकाह कर दिया चचा ने तो भाई की इजाजत पे मौकूफ रहेगा। मसला नंबर 19, कोई औरत पागल हो गई और अकल जाती रही यानी खत्म हो गई, उसका जवान लड़का भी मौजूद है और बाप भी है, तो उसका निकाह करना अगर मंजूर हो यानी उसका अगर निकाह करना है तो उसका वली जो है लड़का है, क्योंकि वली होने में लड़का बाप से भी मुकद्दम है, वली होने में लड़का जो है बेटा जो है बाप से भी मुकद्दम है। तो ये मसाइल आपके सामने बयान कर दिए, इसको कम अज कम 3 मरतबा समझ के पढ़े, 3 मरतबा आप इनको पढ़े, अगर समझ में ना आए तो दोबारा पूछ लें, समझ में ना आए तो दोबारा पूछ लें, ठीक है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, कल इंशाल्लाह फिर आगे पढ़ेंगे। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए, इल्म दीन का सीखना और सिखाना हम सब के लिए आसान बनाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।